नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। ग्राम पंचायत पाराडोल व परसगढ़ी में बाघ के विचरण की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन व वन अमला मौके पर पहुंचा। कलेक्टर पीएस ध्रुव एवं डिप्टी कलेक्टर सीएस पैकरा, वन विभाग के एसडीओ व वन परिक्षेत्र अधिकारी परसगढ़ी नवाडीह साजा पहाड़ एवं पोड़ी क्षेत्र के निरीक्षण पर पहुंचे। ग्रामीणों से मिलकर बाघ के विचरण की जानकारी लेकर सतर्क व सुरक्षित रहने की दिए समझाइस। मामला वन परिक्षेत्र चिरमिरी का है, जहां SECL द्वारा बिना टीपी के ही लंबे समय से कोयले का रेलवे द्वारा परिवहन किया जा रहा था, जिसका संज्ञान चिरमिरी वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा लिया गया एवं मौके पर लगभग 8 स्थानों पर पहुंचकर SECL से टीपी की मांग की है। प्राथमिक जांच में आप अवलोकन में आए तो क्या पता चला, इसमें बताइएगा। यहाँ के जो साइड एरिया मैनेजर हैं, उनको मैं तलब किया मौके पर। कुछ कोयला बैगन खाली मिला, उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मैं विदाउट टीपी का परिवहन कर रहा हूँ। मेरे द्वारा उनको चेतावनी दी गई, उसके बाद भी उनके द्वारा यह कहा कि मैं आप वन विभाग और शासन के आदेश नहीं मानूँ, मैं अपने विभाग का मानूंगा। तो उनकी मामला है, मैं इसको अपराधी के रूप में मान करके आरोप गलत कार्य होने के नाते मैं इस संबंध की जानकारी मैं वरिष्ठ अधिकारी को उल्लेख करूँगा, बताऊँगा आगे किस प्रकार कार्रवाई करेंगे। आगे क्या जब ये शासन के निर्देशों का पालन ये नहीं करेंगे तो हमारा अधिकारी कराने के लिए मजबूर बाध्य करेगा ही नहीं। अभी वर्तमान में इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे अधिकारी जो हैं विदाउट टीपी से माल परिवहन करने के लिए निर्देशित किए हैं, क्योंकि स्पष्ट हो गया कि बिना टीपी हमारे पास जमा है तो किस टीपी का उपयोग कर रहे हैं। या तो कोई फर्जीवाड़ा करके रखे होंगे टीपी, क्योंकि जब ये खुद कह रहे हैं कि टीपी जमा हो गई है तो किस टीपी से कर रहे हैं। टीपी नहीं है, इसका मतलब परिवहन गलत है। तो अभी परिवहन जारी रहेगा या अब सर? वो तो आपके सामने, मैं आपके सामने निर्देशित किया हूं, अगर वो करेंगे तो मैं नियमानुसार कार्रवाई करूंगा और आने वाले समय में अब शासन प्रशासन मामला को समझे, मैं अपने छोटे स्तर से क्या बता सकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नारायणपुर आगमन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नारायणपुर पहुंचकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू, केदार कश्यप, महेश गागरा पहुंचे। परिवार से मिल हमेशा उनके साथ खड़े रहने की बात कही। कि हमारा एक वरिष्ठ साथी सागर साहू जो हमारे जिला के उपाध्यक्ष थे, उनकी नक्सलियों ने निर्मम हत्या की। सच में एक साथी का बिछड़ने का गम, हम सब लोग गमगीन हैं। मुझे कल रात पता चला, मैं जगदलपुर आ रहा था, मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगा और अपने साथी को अंतिम विदाई दूंगा। पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को उनकी शांति को शांति मिले और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार कांग्रेस की, उसमें नक्सली हमले बराबर बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक महीने के अंदर हमारे 3 साथी चले गए। यह यहाँ के कानून व्यवस्था स्थिति को दर्शाता है। मुझे अभी बताया गया कि उन्होंने पुलिस को भी आगाह किया था, लेकिन पुलिस ने कोई स्थानीय पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सागर साहू अकेला नहीं था, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस परिवार के साथ हैं और उनकी जो भी चिंता करनी होगी वो हम सब लोग करेंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी सदा इस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। सागर साहू देश की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी, उसमें हम सफलता मिले इस बात का हम प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उनकी भी चिंता करेंगे परिवार की। यह वैचारिक लड़ाई हम लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रजातांत्रिक तरीके से इस वैचारिक लड़ाई में हम विजय भी होंगे और ऐसी
कायरनुमा हरकतें करने वाले विचारधारा को हम परास्त करेंगे। सर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने का कुछ ऐसा? ये सरकार का काम है, सरकार अपने अपने ढंग से देखेगी, लेकिन हम प्रजातांत्रिक तरीके से विचारधारा की लड़ाई। केंद्र किस प्रकार का कदम उठाएगा नक्सली? बलौदा बाजार में चल रहे कल्याण महायज्ञ में आज 10 करोड़ शिवलिंग का गंगाजल से रुद्राभिषेक किया गया। यज्ञ स्थल में 24 घंटे मंत्रोच्चार किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण 1100 पंडितों द्वारा किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यज्ञ स्थल पहुँच रहे हैं। पंडितों द्वारा विश्व के कल्याण के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। 10 फरवरी को पुलिस आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज एवं पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन में नारायणपुर में भोपाल सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। उक्त सद्भावना दौड़ का आयोजन बालक हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर में किया गया। कार्यक्रम में बस्तर के शहीद वीर गुंडा धुर के छाया चित्र पर कलेक्टर अजीत वसंत एवं पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित किया गया। नगर पालिका उपाध्यक्ष हरदेव देवांगन ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने मनाया। शहर के बीचों बीच हमर चांपा स्पॉट थाना चौक जहां किसी प्रकार का ट्रैफिक प्रभावित नहीं हुआ है, जहां पहुंचे नगर अध्यक्ष पार्षद संबंधित दोस्त यार और सर्व पार्टी के प्रतिष्ठित लोग जन्मदिन का कटा केक एवं हुए आतिशबाजी पटाखों का जहां दिखा भाईचारे का प्रेम। बटी मिठाइयां चौराहे पर एवं एक दूसरे को जन्मदिन का केक खिलाते नगरवासी नजर आए। 368 व्यक्ति गिरफ्तार, 20 लाख का अवैध मादक पदार्थ जब्त, 80 लोगों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई, 210 लोगों पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने की कार्रवाई। बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीणा, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह की उपस्थित में आवेदन आशा के विरुद्ध अभियान में जांच की शुरुआत की गई। बेमेतरा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद परमेश्वर वर्मा पहुंचे, युवाओं ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा की ओर से बेमेतरा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष परमेश्वर वर्मा को पुनः जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद जिला भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर ऐतिहासिक पुराना बस स्टैंड में देर रात जिले के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सिद्ध बाबा सेवा समिति द्वारा आयोजित भागवत महापुराण के शुभारंभ के अवसर पर कलश यात्रा में शामिल हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजू के सरवानी, इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री एवं विधायक गुलाब कमरो सहित नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, जिला पंचायत सदस्य उषा करियाम, राजेश साहू, सिद्ध बाबा सेवा समिति के सदस्य मनोज कक्कर, नितिन गुप्ता, विकास श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। दोस्त डॉक्टर ऑन स्ट्रीट और प्योर प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स की टीम में भुंजिया जनजातियों के अध्ययन के लिए ग्राम सोरिद के भुंजिया पारा का भ्रमण किया। टीम के कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा ने बताया कि देश भर के 705 फाइबल जनजातियों में 75 जनजातियों को विशेष संरक्षित का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश स्तर पर भुंजिया जनजाति को विशेष दर्जा दिया है। ज्यादा उल्टा सीधा खाते थे कदा, तो पेट के, छाती के, लीवर के प्रॉब्लम ल हमन अपने अपन करके ठीक कर सकते हैं। और जितना भी हमन अपन गांव में बड़े बुजुर्ग मन देखते जेकर उम्र अच्छा है और स्वास्थ्य भी अच्छा है, लेकर अगर हम अच्छे ध्यान से देखो समझ में आ रहे और वो आहार विहार से बढ़िया रही से अच्छा होकर जीवन चले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अशोक गहलोत के एक साल प्रदेश का हाल।